माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या UPI से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन अक्षय लक्ष्मी की गोपनीय पद्धति से पूजन किया जाए तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन माता अक्षय लक्ष्मी का गोपनीय पद्धति से पूजन किया जा रहा है। इससे धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित सभी प्रकार के जो विघ्न विवाद होते हैं वे नष्ट होने लगते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए इस शिविर में उपस्थित रहकर या ऑनलाइन भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम धान्य लक्ष्मी की चर्चा करेंगे, धान्य लक्ष्मी आकर्षण बीज मंत्र की चर्चा करेंगे। ये अष्टलक्ष्मी में ये तीसरी लक्ष्मी मानी जाती है। पहली आदि लक्ष्मी, दूसरा धन लक्ष्मी, तीसरी धान्य लक्ष्मी। इनका महत्व बहुत ज़्यादा माना जाता है। ये ज़्यादातर किसानों की देवी मानी जाती हैं। इसके अलावा कोई भी गृहस्थ व्यक्ति इनकी साधना आराधना कर सकता है। इनके साधना का जो हमें फायदा मिलता है, लाभ मिलता है, वो ये मिलता है कि इनकी कृपा होती है तो व्यक्ति कितना भी अन्न का दान करे उसके पास अन्न की कमी नहीं रहती, माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। धान्य लक्ष्मी को एक प्रकार का इनका नाम है, आपने सुना होगा, माता अन्नपूर्णा। माता अन्नपूर्णा कहने का अर्थ यह है, धान्य लक्ष्मी का ये एक नाम और भी है माता अन्नपूर्णा, वो भी धान्य लक्ष्मी ही मानी जाती है। इनकी कृपा अगर मनुष्य के अंदर है तो मनुष्य जीवन भर तक उनके घर में, उसके परिवार में धान्य की कमी नहीं होती, यानी धन और धान्य दोनों की कमी नहीं होती। वो जितना भी अपने धान्य को दान करता है उतना ही उसके पास, उससे कई गुना ज़्यादा उसके पास आ जाता है। तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके अंदर होनी ही चाहिए, आपके परिवार में होनी चाहिए। बल्कि आप अगर ये साधना कर रहे हैं तो आप ये सोच के करें कि हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे परिवार में किसी भी किस्म की कमी न रहे। याद रखें, जब आज का मनुष्य जब कोई घर बनाता है, कोई बड़ा कार्य करता है तो वो अपने लिए नहीं बनाता, वो अपने परिवार के लिए बनाता है, क्योंकि घर का जो उपयोग है आगे चल के उसके परिवार वाले ही करते हैं। इसी तरह से आप जब धान्य लक्ष्मी की साधना करेंगे तो ये भी याद रखें, ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आने वाले अपनी पीढ़ियों को एक सौगात दे रहे हैं कि जीवन में हमेशा वे खुशहाल रहें। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये सौगात दें। अपने लिए हर इंसान जीता है। आज की परिस्थिति पर आप बहुत खुश हो सकते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि भविष्य में मेरे जीवन में क्या होने जा रहा है। इसलिए धान्य लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है कि इनकी साधना हर व्यक्ति को करनी चाहिए, जिससे कि वो अपने जीवन काल में और अपने पारिवारिक जीवन काल में, यानी अपनी पीढ़ियों के जीवन काल में भी हर तरीके से वो सुरक्षित रहें, किसी किस्म की कमी न रहे उनके जीवन में। इसलिए ये जो साधना होती है लोग अपने परिवार के लिए करते हैं, अपनी पीढ़ियों के लिए करते हैं, और ये करना बहुत अनिवार्य माना जाता है। ये एक प्रकार का सौगात होता है जो आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को देते हैं। तो आइए जानते हैं इनका अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्रमान के किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं, जमीन पर ना बैठें, कुर्सी में आप बैठ सकते हैं, खाली याद रखें बिस्तर में ना बैठें। लाल कपड़ा बिछा लें, लाल कपड़ा बिछा के उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति रखें या फोटो रखें, और उसके बाद सामने बैठकर आप सुकरी मुद्रा लगाएं। सुकरी मुद्रा लगाने के बाद आगे चक्र में पिंच करके आप 10 बार प्राणायाम करें, यानी जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से आप 10 बार प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद धान्य लक्ष्मी आवाहन मंत्र, ऐम श्रीम धान्य लक्ष्मी क्लीम वौसठ, 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 ऐम श्रीम धान्य लक्ष्मी क्लीम वौसठ। मैं एक बार इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐम श्रीम धान्य लक्ष्मी क्लीम वौसठ, ऐम श्रीम धान्य लक्ष्मी क्लीम वौसठ, ऐम श्रीम धान्य लक्ष्मी क्लीम वौसठ।
ये छोटा बीज मंत्र है। मंत्र बीज मंत्र में यही फर्क होता है कि मंत्र में ओम होता है, बीज मंत्र में ओम नहीं होता। और ये मंत्र उपांशु जाप में करना है, धीमी आवाज में जाप करना है, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इस मंत्र को तरीका सेम है, 9 दिन तक अभ्यास करना है, 10वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर देना है। माला से मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष माला छोड़ के किसी भी माला से इनके मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। तो एक हाथ से मुद्रा लगाएं, एक हाथ से माला का जाप करें, एक हाथ में मुद्रा लगाएं, एक हाथ से माला से मंत्र का जाप करें। तो इस तरीके से आप 9 दिन करें, 10वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। माला नहीं है तो बिना माला के दोनों हाथों से मुद्रा लगाएं और आधा घंटा रोज 9 दिन तक मंत्र का जाप करें, 10वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। पैसे दान न करें, पैसे दान करना है तो मंदिर की दान पेटी में आप दान कर दें। इस तरीके से आप करें और इसको किसी भी शुक्रवार से, गुरु पुष्य नक्षत्र से, पूर्णिमा से इनके मंत्रों का अभ्यास आप शुरू कर सकते हैं। याद रखें सिर्फ ये 9 दिन का प्रयोग माना जाता है और कुछ ही दिनों में आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी होती चली जा रही है, एक सोशल टाइप सोच होती चली जा रही है। ऐसा लगता है कि आपको मदद करना है किसी की, और जब आप किसी की मदद करते हैं और जिस चीज़ से भी आप मदद करते हैं उस चीज़ की कोई कमी नहीं रहती जीवन में, तो आपको इसका लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। और इसके बाद जैसे आप किसान हैं, किसी खास काम से आप बाजार जा रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ बेचने जा रहे हैं, बड़ी चीज़ लेने जा रहे हैं, तो एक माला मंत्र का जाप करें और आप चाहिए उस चीज़ को खरीदने के लिए या उस चीज़ को बेचने के लिए, आपको आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देगा। चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, या कोई भी अनाज हो, आप मार्केट में बेचने के लिए जा रहे हैं, एक माला मंत्र का जाप करें और जाएं। इस तरीके से भी आपको लाभ मिलेगा। और मतलब कहने का मतलब है कि एक खुशहाल जीवन आप जीते हैं ऐसा करने से। तो ये आप करें, लेकिन इसके पहले जान लेते हैं कुछ नियम, क्योंकि साधना के अपने नियम होते हैं, नियम को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृह सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चने आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज़्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रुली मुद्रा अवश्य अपनाएं। ये मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रुली मुद्रा क्या है ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अघोर अष्टलक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी के सभी स्वरूपों की गोपनीय विधि से साधना करवाई जा रही है। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में अवश्य भाग लें। अगर आप इस साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग ले सकते हैं। किसी कारण से आप पर्सनली नहीं आ सकते तो इसे ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं।